शो आधे घंटे से कोई एक्सटेंशन नहीं है। नील, ये नील कैसे हुआ? फुल काउंट है। अरे काहे का फुल काउंट, मैंने नील कहा ना। ये गलत है सर, तुम्हारी सैलरी उनके पास है इसलिए वो चीटिंग कर रहे हैं। तू ध्यान दे कहीं कपड़ा ना जल जाए, गड़बड़ हुई तो मैडम खाल उधेड़ देंगी। रोज मुझसे क्यों ऐन करवाते हो सर, मुझे और भी दूसरे जरूरी काम होते हैं, समझिए सर। अरे चुप कर, जब देखो बहाने ढूंढता रहता है। हम लोग अपने समय में एसआई साहब के पैर दबाते थे। टाइफाइड से आपके फादर गुजर गए इसलिए आपको ये नौकरी मुफ्त में मिल गई, लेकिन हमने मेहनत की है, डिग्री लेकर आए हैं सर। तो तुम्हारी आरती उतारूं क्या? हम बुरा नहीं मानेंगे सर। वो छोड़ो जी, कल नए सीआई साहब आ रहे, वो हमारे ही जैसे हैं या बहुत सिंसियर हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारी तरह रहा तो मजे करेंगे और सिंसियर रहा तो उनकी तरह चप्पल खाएगा। क्यों रे, तूने अब तक घर पर केक नहीं पहुंचाया, तेरी वजह से रात का खाना नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दक्षिणामूर्ति जी, हाउ आर यू? अभी तक तो ठीक ही था सर। आप यहाँ पर घूमने आए हैं या? अब मैं यहीं रहूँगा। मतलब कल आने वाले सीआई? हाँ वो मैं ही हूँ। 2 साल इनके अंडर काम करने से मुझे बीपी और शुगर की प्रॉब्लम हो गई थी, अब तो डायरेक्ट कैंसर ही होगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था। सरप्राइज देने के लिए, शॉक देने के लिए। आप बदले नहीं सर। तुम भी कहाँ बदले हो, अभी भी वही शक्ल, वही वेट और वैसा ही एक्सप्रेशन। यहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर अंदर जाने का मन कर रहा है। एंट्री टिकट कितने की? मूर्ति जी, ये पुलिस स्टेशन कम और कल्चरल क्लब ज्यादा लगता है। ये कौन है सर, फिल्म का हीरो लग रहा है? हीरो नहीं है बे, हमारे नए सीआई। फ्रैंकली बताओ, शहर के हालात कैसे हैं? व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू? सर यहाँ व्हाट टू डू का मतलब ड्यूटी के अलावा कुछ भी कर सकते। व्हाट नॉट टू डू का मतलब कुछ भी कर सकते बट ड्यूटी नहीं कर सकते। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह दामोदर नाम का आदमी है सर। यहाँ सब उसकी मर्जी से होता है सर, नहीं माना तो लाइफ खत्म। हम नाम के पुलिस है सर, डरते तो सब उसी से है। उसके हाथों में हथकड़ी पहनाने के बजाय हम अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर घूम रहे हैं। दामोदर भाई को छेड़ के काय को अपना नाक फोड़ रहे हो? उसके पैरों में पड़ के सुखी नहीं रह सकते क्या? ये अंदर से हाई कमांड की इतनी तरफदारी कौन कर रहा है? बिरयानी राजा अपना कांस्टेबल है सर। सीआई के लिए बाहर नहीं आया? सीएम के लिए भी नहीं आएगा सर। क्यों यार? दामोदर के बाथरूम में जलने वाले बल्ब से लेकर उसकी बिजनेस डिटेल तक इसे सब नॉलेज रहती है। सलाम सीआई साहब, बिरयानी रेडी है, खाएंगे क्या? अरे हैं? कौन है यार तू? वैसे ही बिखरे बाल, वही बदसूरत नाक, भैंस जैसा शरीर, गिद जैसी आंखें, ऊंट जैसा पेट और हाथी जैसे कान। सबने कहा था यहाँ तू ही सबसे काम का आदमी है। क्या, काम का आदमी हूँ? हाँ भाई तू। आज तक तो कोई नहीं बोला। सच कह रहा हूँ, तू मेरी हेल्प करेगा ना? थैंक यू। चल अब बता यहाँ क्या चल रहा है, ये दामोदर कौन है और सब उससे इतना डरते क्यों? बिरयानी तू मेरे हुक्म का इक्का है, तू डायरेक्शन दे, एक्शन में। देखो शंकु, यहाँ किसी की बात नहीं मानने का। दामोदर भाई के बारे में 2 चीजें बताता हूँ। छेड़ोगे तो सांप की तरह डसेगा, हाथ मिलाओगे तो आशीर्वाद देगा। हाथ मिलाने के लिए धंधों की जानकारी चाहिए। मैं 3 शब्द में बताता हूँ ना, लिखकर बिजनेस, बैटिंग बिजनेस, डुप्लीकेट धंधा। इन तीनों के हेड अलग अलग है, सीनो, फिरंग और संपंगी। इन तीनों से अपन के बहुत पुराने रिश्ते हैं। ये मछली है और दामोदर मगरमच्छ, इनसे हाथ मिलाओगे तो आशीर्वाद मिलेंगे। लेकिन मैं हाथ कैसे मिलाऊंगा? मैं हूँ ना। आओ, उनको एक हाथ से बिरयानी खिलाता हूँ, दूसरे हाथ से दारू पिलाता हूँ, तो मैं तुमको उनसे मिला सकता हूँ। सचमुच? आओ रे। ओए बिरयानी, दामोदर की बात करता हूँ तो इन लोगों में फ्रस्ट्रेशन नजर आता है और तुम में डिवोशन नजर आता है। पुलिस में क्रिमिनल के लिए डिवोशन नहीं, उसके अगेंस्ट अग्रेशन चाहिए। याद रहे ये पुलिस स्टेशन है, तुम में से किसी ने यहाँ जुआ खेला और इसे कल्चरल क्लब बनाया तो उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। समझे सर? चुप्पे। अब तक तुम लोग दामोदर से डर कर ड्यूटी कर रहे थे, अब दामोदर को डराने वाली ड्यूटी होनी